इंडियन रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। भारत के बंटवारे के समय रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में रहा। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन्स है, 9,146 फ्रेट ट्रेन्स है और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 19,000 ट्रेन चलती है और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। पर जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में ट्रेन्स के लेट होने का ख्याल आता है, लो स्पीड का ख्याल आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी भारत में ट्रेन की स्पीड अंग्रेजों के जमाने की है। आज के समय जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है। तो इंडियन रेलवे की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक तरफ भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन्स को लॉन्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे भी बहुत तेजी से काम कर रही है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत का साथ जापान दे रहा है। देखो, जब भी बुलेट ट्रेन की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की इमेज सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिंकानसे कहा जाता है, जो जापान की सभी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है, और भारत में जापानीज बुलेट ट्रेन शिंकानसेन ही चलने वाली है। भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने 11,000 करोड़ रुपए का 24 बुलेट ट्रेन का टेंडर निकाला है। इन बुलेट ट्रेन में 10 कोचेज होंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 से पहले आ जाएगी और फिर उसके बाद एक एक करके जापान से बुलेट ट्रेन भारत में आती रहेगी। भारत जापान से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का E5 वर्जन ले रहा है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ये सभी बुलेट ट्रेन इंडिया के टेम्परेचर, डस्ट, क्लाइमेट कंडीशन और ट्रैक्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे कि इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दुनिया में सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में 1964 में चली थी। फिर जैसे ही बुलेट ट्रेन जापान में हिट हुई, बहुत से देश बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी को अपनाने लगे। अब तक दुनिया के 20 देशों में बुलेट ट्रेन चलती है, पर कुछ सालों में आपको भारत में भी बुलेट ट्रेन चलती हुई देखने को मिलेगी और इस काम में जापान भारत की पूरी मदद कर रहा है। भारत ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान को इसलिए चुना है क्योंकि जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है और बुलेट ट्रेन की क्वालिटी और सर्विस में जापान नंबर 1 देश है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं होती है। बुलेट ट्रेन एक तरह की हाई स्पीड रेल होती है जो नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन और ट्रेडिशनल ट्रेन के तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट और कम्फर्टेबल होती है। इन हाई स्पीड रेल को बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट गोली की रफ्तार से चलती है। बुलेट ट्रेन की मिनिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये ट्रेन नॉर्मल ट्रैक्स में नहीं चलती है, इनके लिए नए और स्पेशल ट्रैक्स चाहिए होते हैं जो इनके स्पीड को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स, ट्रेन, कोचेस, इन सब एरियाज में जापान नंबर 1 है, तो इसीलिए भारत ने जापान को चुना है। इसके अलावा जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट में भी भारत की मदद कर रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें से 81% कॉस्ट यानी कि 88,000 करोड़ रुपीस जापान भारत को लोन के तौर पे दे रहा है। जापान भारत को ये लोन 0.1% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। इस लोन को भारत को 50 साल में चुकाना है। जापान ने भारत को लोन इतने कम इंटरेस्ट रेट पे दिया है और साथ में लोन रिपेमेंट का टाइम 50 साल रखा है, जिसके चलते इस लोन का इंडियन इकोनॉमी पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस प्रोजेक्ट का बाकी का 19% कॉस्ट भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस प्रोजेक्ट में जापान 88,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगा, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। अहमदाबाद और गुजरात की गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन में इसलिए पैसा लगा रही है क्योंकि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इस प्रोजेक्ट में 12 रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा जो मुंबई से शुरू होगा और अहमदाबाद होते हुए साबरमती तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लेंथ 508 किलोमीटर है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन में 10 कोचेस होंगे जिनमें 750 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकेंगे और फ्यूचर में कोचेस को बढ़ाया भी जाएगा और फिर बुलेट ट्रेन से आराम से 1200 लोग ट्रेवल कर सकेंगे। बुलेट ट्रेन में 55 सीटें बिजनेस क्लास की होंगी और 695 सीटें स्टैंडर्ड क्लास की होंगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होगी। मुंबई से अहमदाबाद रूट में आपको दो टाइप की बुलेट ट्रेन की सर्विस मिलेगी।
पहली सर्विस में बुलेट ट्रेन सिर्फ 4 स्टेशन अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई पे रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 7 मिनट का होगा। दूसरी सर्विस में बुलेट ट्रेन सभी 12 स्टेशन पे रुकेगी और ट्रेवल टाइम 2 घंटे 58 मिनट का होगा। और इन सब में जापान भारत की मदद कर रहा है, पर जापान की इतनी मदद करने के बाद भी भारत बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट टाइम पे कम्प्लीट नहीं कर पाया है। भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2017 में साइन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, पर यह प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट 2022 में कंप्लीट होना था। भारत सरकार चाहती थी कि भारत के 75वें इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत में बुलेट ट्रेन चले, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमेशा की तरह इस प्रोजेक्ट में भी पॉलिटिक्स घुस गई। 2019 से लेकर 2022 चार साल तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में होल्ड में चला गया था, पर वहीं दूसरी तरफ गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया था और साथ में कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी, पर महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन का काम ही रोक दिया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 5,000 करोड़ रुपए देने वाली थी, उसे भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने रोक दिया था। तो पॉलिटिक्स के चलते महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 साल से रुका हुआ था, पर फिर जब 2022 में महाराष्ट्र में सरकार बदली और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने सिर्फ 1 महीने में महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए लैंड एक्विजिशन के काम को 98% कंप्लीट कर दिया। जो काम करने में उद्धव ठाकरे की सरकार को 4 साल लगे, वो काम एकनाथ शिंदे जी ने 1 महीने में पूरा कर दिया। तो 4 साल डिले के चलते जो प्रोजेक्ट अगस्त 2022 में पूरा होना था, अब वो प्रोजेक्ट अगस्त 2026 तक कंप्लीट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अनुसार अब तक बुलेट ट्रेन का 26.3% वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुजरात में ओवरऑल 32.9% लगभग 33% वर्क कंप्लीट हो चुका है और महाराष्ट्र में 4 साल डिले होने के चलते सिर्फ 13% काम कंप्लीट हुआ है। पर अब भारत सरकार बुलेट ट्रेन में तेजी दिखा रही है और इसका सबूत यह है कि भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन NHRCL ने 11,000 करोड़ रुपए का 24 बुलेट ट्रेन का टेंडर निकाला है और इसकी बिड अक्टूबर तक खत्म होनी है। अब आप बोलोगे कि भारत खुद से बुलेट ट्रेन क्यों नहीं बना रहा है, तो देखो भारत के पास बुलेट ट्रेन को बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। बुलेट ट्रेन नॉर्मल ट्रेन तो होती नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा अलग होती है, तो शुरुआत में भारत को बुलेट ट्रेन को खरीदना ही पड़ेगा। इसके अलावा JICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो भारत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लोन दे रही है, उनकी लोन कंडीशन के अकॉर्डिंग जापान की कावासाकी और हिताची जो बुलेट ट्रेन बनाती है, सिर्फ वही कंपनी इस टेंडर में पार्ट ले सकती है। तो इन सब रीजन के चलते भारत जापान से 24 बुलेट ट्रेन खरीद रहा है। देखो बुलेट ट्रेन को लेके भारत का प्लान बहुत बड़ा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत 8,834 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहता है। आइए आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन से भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बुलेट ट्रेन से ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाता है, 8 घंटे का सफर 2 घंटे में पूरा हो जाता है। बुलेट ट्रेन में आप बहुत ही आराम से न्यू कोचेस को ऐड भी कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का एनर्जी कंजप्शन एरोप्लेन के मुकाबले 1/3 और कार के मुकाबले 1/5 होता है। बुलेट ट्रेन बहुत एनर्जी सेव करती है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ही कम CO2 इमिशन इमिट करती है, तो एनवायरमेंट के लिए भी बुलेट ट्रेन सही है। बुलेट ट्रेन बहुत सेफ है, इसमें डिजास्टर प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया गया है। अभी तक भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत 8,000 पेड़ और 83,600 सैपलिंग्स लगाए हैं। इसके अलावा आज के समय में दुनिया भर के देश CO2 इमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो अपने देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। वहीं भारत भी अब यही करने की कोशिश कर रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे कम CO2 इमिशन फैलाने वाला ट्रांसपोर्ट मोड बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन से पर किलोमीटर सिर्फ 14 ग्राम CO2 इमिशन इमिट होता है। वहीं स्मॉल कार से 42, बिग कार से 55, बस से 68, बाइक से 72, शिप से 245 और प्लेन से 285 CO2 इमिट होता है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से 20,000 जॉब जनरेट हुई है। इसके अलावा फ्यूचर में बुलेट ट्रेन की ऑपरेशन के लिए 4,000 जॉब्स और जनरेट होंगी। इसके अलावा देश की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। देखो आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और 8 सालों में $10 trillion की इकॉनमी बनने वाला है। भारत मार्स तक पहुंच गया है, डिजिटल पेमेंट के मामले में 1 है। इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, हाईवेज, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो अगर भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होती है तो इससे भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे और बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा कि भारत कंटिन्यूअसली अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी को स्ट्रांग बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में बहुत सारी कंपनीज भारत में आएंगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।